नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो कैसे चल रही है अभी फिजिकल की तैयारी? अब फिजिकल के बारे में जो है, मैंने सारे जो भी डिटेल्स आपको देनी थी, जो भी आपकी जानकारी काम आनी चाहिए थी, जो आपके वहाँ पर आगे जाके काम आएगी, जिस दिन आप फिजिकल देने जा रहे हो, जैसे 26 से स्टार्ट हो रहे हैं फिजिकल, जिसका फर्स्ट टाइम ही फिजिकल है ना, जैसे 26 को इस जिसका फिजिकल आ गया, 26 वाले को सबसे ज़्यादा डर लगेगा। क्यों लगेगा? वो फर्स्ट बार देने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 27 वाला 26 वाले को देख लेगा कि यार 26 वाले में कल क्या क्या हुआ था, वो उसके अनुसार ही काम करेगा, और फिर बाद में वाले को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 26 वाले जो भी हैं, जो देने जा रहे हैं, घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। जब आपने मेहनत की है, जब आपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से की है, जब आपका टाइम बैठ रहा है, हाइट वेट सही है, तो आपको क्या टेंशन है? कोई भी टेंशन मत लो, अच्छे से फिजिकल देना। माइंड जो है, माइंड में स्ट्रेस बिल्कुल भी लेके मत जाना। जो भी जानकारी आपको देनी, जो भी जानकारी आपको वहाँ चाहिएगी, वो मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसको ज़रूर देख लेना आप, ठीक है? और ये जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं फिजिकल में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके, ठीक है? 20 तारीख तक या 20 तक आपके कंप्लीट जो भी एडमिट कार्ड, जो भी 15 गुणों की लिस्ट, जो भी एडमिट कार्ड आएंगे, वो आने आ जाएंगे। आपको वो एडमिट कार्ड लेके जाना सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद आपको आईडी लेके जानी है भाई, अपनी जो भी आईडी है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, जो भी आप लेके जाना चाहो वो आप ले जाना। उसके बाद में आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके जानी है, 10th 12th की मार्कशीट ले जाना, ग्रेजुएशन की है तो वो ग्रेजुएशन ले जाना, ठीक है? ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है? पहली बात तो मैं ओरिजिनल की कर रही हूँ, उसके बाद बताती हूँ। उसके बाद में आपको मूल निवास लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। जाति जो वो आपकी देख लेना, पुरानी नहीं होनी चाहिए। जाता जब फॉर्म भरा गया था उस टाइम पे आपने नई जाति बनवाई होगी, वो आप ले जाना, वो चल जाएगी, ठीक है? मूल निवास लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, चरित्र सर्टिफिकेट जो है वो बनवा लेना, वो जरूर चाहिएंगे वहाँ पर। हेल्थ सर्टिफिकेट, ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आराम से बन जाएगा आप, है ना? ये हेल्थ सर्टिफिकेट एक चीज़ याद रखना, जैसे भी आपका 26 तारीख को फिजिकल है, तो आप 21 या 22 को ये हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना भाई, क्योंकि जो हेल्थ सर्टिफिकेट हम बनवाने जाते हैं या जो हमारे काम आएगा, वो चार या पाँच दिन का होना चाहिए। अगर आप 10 दिन पहले ही इसको बनवा के बैठ जाओगे, तो फिर वो तो ये सोचेंगे कि ये तो 10-15 दिन पहले का है। तो हेल्थ सर्टिफिकेट तो प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए ना, 2-3 दिन पुराना ही, कि भाई हाँ 4-5 दिन में बच्चे ने बनवाया है तो वो फिट है, डॉक्टरों ने बताया है कि भाई ये फिट है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है? बनाने वाली प्रोसेस देख लेना, अगर 26 को है तो आप 21-22 को हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना, आराम से बन जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उसके बाद में आता है आपको जो है 6-7 फोटो लेके जानी है, क्योंकि वहाँ भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहाँ पर जाते ही जो फिजिकल में आपसे एक जो फॉर्म फिलअप करवाते हैं, वहाँ भी आपकी फ़ोटो लग सकती है, तो ये आपको फ़ोटो लेके जानी है। उसके बाद में आपने जो फॉर्म भरा था, वो फॉर्म वाली कॉपी भी ले जाना भाई आप, ठीक है? जो हमने फॉर्म भरा था राजस्थान पुलिस का, तो वो पुलिस जो फॉर्म वाली कॉपी है वो भी ले जाना। उसके अलावा जो है आपको इन सभी की, ये जो सभी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, इनकी 2 से 3 फोटोकॉपी जो है वो आपको लेके जानी है। सभी की आप एक एक दो दो फोटोकॉपी करवा लेना, जैसे एडमिट कार्ड है उसकी 2 कॉपी करवा ली, ठीक है? और उसके बाद में आईडी है, इनकी भी 2-2, 3-3 कॉपी करवा लेना। आय प्रमाण पत्र है, इनकी भी 1-1, 2-2 आपको आगे भी काम आएंगी। जो आपके जो भी दस्तावेज सत्यापन होता है, जो आपको CBT टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें भी आपके काम आ जाएंगे। उसके अलावा जो है, इसमें आपको जो भी आप जैसे फिजिकल देने जा रहे हो, तो आपके पास NCC का डिप्लोमा होगा, ठीक है? जिसके पास भी है, क्योंकि इसमें भी ABC होती है कैटेगरी, उसमें अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। उसके अलावा एक होम गार्ड का भी सर्टिफिकेट आता है, कि भाई इसने कितने साल की सर्विस कर ली है, उस हिसाब से होम गार्ड का भी एक सर्टिफिकेट आता है। जो भी आपके पास पुलिस से संबंधित कोई भी डिप्लोमा है, खेल से संबंधित जो भी डिप्लोमा है, वो आप साथ लेके जाना, ठीक है? कोई भी डिप्लोमा हो, वो एक ये भूल मत जाना, क्योंकि इसके जो नंबर हैं ये जुड़ते हैं, ठीक है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको फिजिकल टेस्ट में जाते समय, जिनका भी है 26 तारीख को है, वो 26 तारीख वाला ज़्यादा ध्यान में रखे, क्योंकि बाद वाले जो हैं वो तो 26 वाले को ही देखेंगे। सबसे ज़्यादा देखना 26 तारीख को, जो फिजिकल होगा वो सबसे ज़्यादा डरेगा। 27 तारीख को हो गया, वो 26 वाले को देख लेगा, यार कल का क्या हुआ, जिसका मालूम पता तो चल ही जाता है कि भाई हमारा फिजिकल 27 तारीख को है, ठीक है? तो वो एक दिन पहले ही चला जाएगा, वो 26 वाले को देखेगा कि क्या क्या प्रोसेस हुई है वहाँ पे।
और कई तो जानकार होंगे तो पूछेंगे यार तेरे से क्या करवाया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे, हमें भी बता दे कहीं कोई छूट न जाए। तो ऐसा सभी के साथ होता है, तो टेंशन मत लो, ये वैसे भी पहली बार ही हुआ है। वैसा पहले तो ऐसे ही होता था कि भाई पहले रिटर्न एग्जाम हो गया, अब की बार ही फिजिकल वाला झंझट दिया, तो ये भी अब सॉर्ट आउट होने वाला है क्योंकि फिजिकल की डेट आराम से आपकी आ गई है। वैसे भी आचार संहिता लग गई, आचार संहिता का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी भर्ती पर, ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें ध्यान रख लेना, अच्छे से लेके जाना, जिसका भी 26 तारीख को जो फिजिकल है उनको बेस्ट ऑफ लक भाई, अच्छे से तैयारी करो। 10-15 दिन आपके पास और बचे हैं, जिनका भी टाइम नहीं आ रहा है या थोड़ा बहुत वेट कम पड़ रहा है वो ज़रूर ध्यान रख लेना, ठीक है। वेट बढ़ाओ थोड़ा बहुत, इतना वेट बढ़ जाता है आराम से, और जो है फिजिकल का जो टाइम है वो एक बार लेके आओ, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आप दौड़े हो ही नहीं, वहाँ पे जाते ही आप स्पीड में दौड़ने लग जाओ, ऐसा नहीं है। जिन्होंने तैयारी की है वो अपनी आराम से स्पीड बनाना, ठीक है। वो मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है, पहले आप जो है फिजिकल में जाते समय जो है वो वीडियो ज़रूर देखना, डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो देखना। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो बार बार कमेंट कर रहे हो कि मैम टेलीग्राम का लिंक भेजो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, थोड़ी मेहनत आप भी कर लो। आपको तो बस वो थाली में डला डला मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत मेहनत तो करो, उसे खाने की तो मेहनत करो। जो चीज़ मिल रही है आपको तो वो तो अच्छे से देखो, और कोई डाउट हो तो आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।